Two, I won't be long because I have to catch a flight and I don't speak for very long. But looking at these beautiful technology-driven things, I feel like, I must confess, I feel like a Stone Age man. Because I'm a man of pen and paper. So, these 2 days listening to many of the talks, I have personally felt that particularly with regard to the aim of the mission, which is to document or build a database, many of the talks actually focused more on interpretation. But I believe that we are yet to reach that stage, because we have just started building up the database. So my talk is very, very basic. I'll just try to focus on more on what and how, but a little bit of why, particularly considering that some of you may not be so much initiated into numismatic studies. I'll begin with a question. Coins are small metallic objects. And what were they used for? And why is it important to us as students of history? Why are they important? And are today's coins and currency important to us as for knowing our history? The answer is no. I mean, today there's so many other sources of written history available. But you should remember that coins in ancient times, medieval times, had the same function that the coins and currency notes of today perform. That is, they were acting as money. They were a means of payment, even in ancient times. It's a different matter that we have to fall back upon those money to know our history, because in our country we did not have a tradition of writing history. यही कारण है क्योंकि हमारे यहाँ लिटरेचर तो बहुत लिखे गए लेकिन वो मूलतः धार्मिक लिटरेचर थी. The most basically religious literature. Some of them might contain some historical information. But those historical information might be in a garbed version, छुपे हुए हो. और उसमें कुछ शायद कुछ बढ़ा चढ़ा के हो या differences हो. वो information हमारे लिए useful होता है. लेकिन एक कनेक्टेड अकाउंट हमारे पास हिस्ट्री की लिखी हुई नहीं है. आज के दिन में तो हम किताबों से पढ़ लेते हैं. जब आप अपने कभी एग्ज़ाम दे रहे हों हिस्ट्री के पहले, तो आप किताबों से पढ़ लेते थे और फिर जाके समझते थे, और जो भी वो एग्ज़ाम में पूछा जाता वो आप उसका उत्तर करते थे. लेकिन जो पुराना हमारा काल है उसका चूंकि लिखा हुआ इतिहास नहीं है, तो एनी ऑब्जेक्ट, और कॉइन्स इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज दे आर कंटेम्प्री ऑब्जेक्ट्स, एंड सिंस दे वर इशूड एज मनी, दे वर इशूड इन कंसिडरेबली लार्जर नंबर्स देन मेनी अदर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एंड सिंस दे वर मेड ऑफ मेटल, they have survived down to us in much larger numbers. Or us pe choti moti cheeje kuch. Can I have the next slide?
आगे 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 बस एक पहले अब कॉइन्स से किस तरह की इंफॉर्मेशन मालूम चलती है? अब ये मैंने एक आपके लिए गोल्ड कॉइन्स सेलेक्ट कर लिया, ये कुशान पीरियड के गोल्ड कॉइन्स हैं। जो पहला इस पहला रूलर नहीं था, मतलब ये रूलर था जिसके टाइम से गोल्ड कॉइन की शुरुआत हुई इंडिया में, एंड ही एग्जिस्टेड सम टाइम इन टुवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट सेंचुरी सीई और एडी, कनिष्क से पहले वीमा कैडफिसिस नाम है इसका। तो अब जो सिंपल इंफॉर्मेशन एक कॉइन दे सकता है, यदि उस पर इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, और ये भी आपको याद रखना चाहिए कि इंस्क्रिप्शन आपको थर्ड सेंचुरी बीसी से पहले या सेकेंड सेंचुरी बीसी से पहले, ज़्यादातर कॉइन्स हमारे अनइंस्क्राइब्ड, दे आर पिक्टोरियल कॉइन्स, दे माइट हैव सिंबल्स मोटिव्स एटसेट्रा, बट दे डू नॉट हैव एनी इंस्क्रिप्शन। तो एक यदि हम मान लीजिए कुछ भी हमारे पास इतिहास पता नहीं हो और ये एक ऑब्जेक्ट मिलता है, इसमें हम ये स्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं विच इज एक्चुअली अ ग्रीक स्क्रिप्ट, और उस पर लिखा हुआ हम पढ़ते हैं बिसीलियस ओएमओ कैटफिसिस, तो एक नाम हमने पढ़ लिया तो हम कहेंगे कि अच्छा ये कोई राजा है, शासक है, जिसने ये कॉइन इशू किया, उस पर एक राजा बैठा हुआ दिखाया गया है, वो बादलों से निकलता हुआ या कुछ इस तरह से, या पहाड़ पे बैठा हुआ, जैसे भी इंटरप्रेट करें। दूसरी तरफ में एक फिगर है, स्टैंडिंग फिगर, जटाजूट वाला, हाथ में त्रिशूल लिए हुए, और वो एक नंदी के साथ खड़ा है, और एक खरोष्ठी लिपि में, खरोष्ठी लिपि यदि आप पढ़ सकते हैं तो एक आप जो भी इंस्क्रिप्शन उसका लिखा हुआ है वो आप पढ़ेंगे। तो ये बेसिक एक हमारे पास इंफॉर्मेशन हुई। अब ये है कौन, ओएमओ कैटफिसिस या वीमा कैटफिसिस जो लिखा हुआ प्राकृत इंस्क्रिप्शन में, वो है कौन? तो उसके लिए फिर शायद आपको और कहीं खोजना होगा, साहित्य में, इंस्क्रिप्शंस में, तब यदि कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसको आप कोरिलेट करते हैं। तो एक तो हो गया ये बेसिकली जो कॉइन्स है जो यूज़ किया जाता है उसमें इंट्रिंसिक एविडेंस जो होता है। अब इंट्रिंसिक एविडेंस उसके बहुत सारी चीज़ों के हो सकते हैं, जैसे पहला हो गया कि मेटल, उसकी फैब्रिक कैसी है, उसका अपीयरेंस कैसा है, उसका वेट क्या है, तो ये चीज़ें हम सारे जब हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो वो रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा, जब आप दूसरे तरह से वो कुछ एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कुछ हमारे गुरुजी थे डॉक्टर पीएल गुप्ता थे, बड़े फेमस न्यूमिस्मेटिस्ट, तो वो कहते थे सिक्के बोलते हैं, दे टॉक, बट थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, सो यू हैव टू indulge them, you have to enter into a kind of talking relationship, you have to talk to them. अब यदि इन साहब से मैं बात करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अरे ये बादलों से निकल रहे हैं, तो क्या मतलब हुआ इसका? और दूसरी तरफ, अरे ये तो शिवजी अपने नंदी के साथ त्रिशूल लिए हुए खड़े, तो राजा अपने आप को फ्रंट साइड में दिखा रहा है,
और ईश्वर हैं, भगवान हैं, गॉड हैं, डीटी हैं, उनको पीछे के साइड में मतलब कम नहीं समझता उनको। तो द वेरी फैक्ट दैट किंग इज रिप्रेजेंटेड अलोंग विथ अ डिवाइन फिगर ऑन द क्वाइन वॉज एन इनडिरेक्ट इफेक्ट, ये एक प्रोपेगेंडा की तरफ भी था कि भाई हिज अथॉरिटी इज अनक्वेश्चनेबल, कि वो भगवान की तरह है, बराबर का है। तो एक तरह से जो इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप या मोनार्की था उसको अपर पेडस्टल पे रखने का एक एफर्ट था। दिस एक्चुअली स्टार्टेड विद फ्रॉम द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर, जहाँ पे उसने स्टैंडर्डाइज किया। उसके पहले क्या हुआ था कि बहुत वैरायटी ऑफ अलग अलग तरह के क्वाइंस होते थे। तो खैर उसके बारे में चर्चा, कभी कुछ मधुलिका कह रही थी कि हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट पे अब 5-5 दिन का, 6-6 दिन का ऐसे वर्कशॉप करेंगे। तो वो जब क्वाइंस पे करती हैं तब फिर दिन भर शायद आप लोगों को मुझे ही झेलना पड़े या क्वाइंस को ही झेलना पड़ेगा, तब देखा जाएगा। तो अभी तो वो जो मैं कह रहा था कि कुछ अलग अलग चीज़ें भी यदि आपको पता चलती हैं इस तरह की, लेकिन स्टिल दीज आर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, द इंफॉर्मेशन इवन इफ दे आर इंस्क्राइब्ड फर्निस्ड बाय देम इज वेरी वेरी स्मॉल एंड बट देर इज नो डाउट दैट दे आर इम्पॉर्टेंट, दे आर सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। एंड वेन दीज इंफॉर्मेशन आर somewhat like sewn it into a garland, तो वो एक connected account बनता है। Can I have the next one? Like these coins. These are some of the, can you identify any of you? These are Indo-Greek coins. But these are not the normal shape Indo-Greek coins, because if you see the catalogs of Indo-Greek, they would be mostly round, and they would mostly have the distinct type of king's portrait on the one side and a Greek divine figure on the other side, inscription in Greek. But incidentally, the top row coins that you're seeing, they belong to two rulers, Agathocles and Pentaleon. They are somewhat of an aberration in the Indo-Greek series, because these are not usual Greek and Kharoshthi, which is the usual thing for the Indo-Greek coins. But these are Greek and Brahmi coins. And incidentally, these type of coins were the coins which had helped Prince Plasen, who were working at that time in the decipherment of Brahmi script, in giving some kind of clue. जब वो लोग जूझ रहे थे कि भाई क्या है, तो इसी तरह के क्वाइंस मिले और एक गेस किया उन्होंने कि जो नाम, दे कुड रीड द ग्रीक, सो दे कुड रीड बेसिलियोस एगेथोक्लियाओ लिखा हुआ है। तो दे मेड अ गेस कि जो दूसरे साइड में स्क्रिप्ट पे दिख रहा है वही नाम होना चाहिए। तो जो अल्फा है वो अ होगा, गामा है तो ग होगा, थीटा है तो थ होगा, लैम्डा है तो ल होगा। तो ऐसे करके उन्होंने कुछ कुछ ब्राह्मी के अक्षर और खरोष्ठी के भी अक्षर ये बाइलिंगुअल बाइस्क्रिप्टल क्वाइंस के साथ पकड़े गए। अब खैर मैं उसमें अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल ये दिखाना चाहता हूँ कि जो इनडायरेक्ट जब आप उनसे बातें करते हैं, तो मैंने कहा कि इंडो ग्रीक क्वाइंस ज़्यादातर राउंड होते हैं। बट दिस रूलर एगेथोक्लेस एंड पेंटालियन, हु आर ऑलमोस्ट कंटेम्प्रेरीज,
180 BC के आसपास, मतलब बिगनिंग ऑफ सेकेंड सेंचुरी BCE, तो दे मेड अ डिस्टिंक्ट एफर्ट टू चेंज द शेप टू अ रेक्टेंगुलर शेप बिकॉज this was the time around which these rulers were crossing over from Hindu Kush mountain range and entering into Indian subcontinent. If you see the map of the Afghanistan, तो वहाँ पे पर्वतमाला है हिंदू कुश की, तो उसके नॉर्थ में जो एरिया था वो बैक्ट्रिया एरिया था, जहाँ पे वो अलेक्जेंडर के जाने के बाद कुछ ग्रीक रह गए थे और उन्होंने मिडल ऑफ द थर्ड सेंचुरी BC में फिर अपने सेल्यूसिड मास्टर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया और वहाँ से क्वाइंस की शुरुआत हुई थी। तो खैर वो हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा। तो इन लोगों ने एक डिलिबरेट एफर्ट किया कि ये रेक्टेंगुलर या स्क्वेरिश क्वाइंस किए जाएं, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल क्वाइंस चल रहे थे वो उस शेप के थे। खरोष्ठी यहाँ की स्क्रिप्ट नहीं थी, खरोष्ठी फर्दर नॉर्थ की थी। तो उन्होंने एक ब्राह्मी अपनाया जो भारतीय उपमहाद्वीप भूभाग में जो स्क्रिप्ट उस टाइम चल रही थी, उन्होंने पोर्ट्रेट की बजाय एनिमल फिगर्स यूज किए। पीछे में शायद एक इंडियन डीटी को, फीमेल डीटी को यूज किया। तो ये था एक एफर्ट कि ये जो इंडियन पॉपुलेशन फॉर विच दीज मनीज वर मेंट शुड फाइंड इट एक्सेप्टेबल, क्योंकि एकदम नया कॉइन्स आ जाएगा तो लोगों को एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है। वो कितना भी पावरफुल रूलर्स रहे, गुप्त रूलर्स वर वेरी पावरफुल, लेकिन इफ यू गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, दिस इज द बॉटम वन इज द कॉइन ऑफ समुद्रगुप्त एंड हु वाज परहैप्स द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू स्ट्राइक गोल्ड कॉइन्स। Some people do not ascribe any coin to Chandragupta first. They say that the coins in his name were issued by Samudragupta, his son. Anyway, wo history mein nahi jaunga. Lekin if you see the figures, compare the figures with the other two coins, you can see a standing figure offering, sacrificing at a fire altar, holding spear or dand in his left hand, raised hand, and on the top one there is a trident standard, on the bottom one there is a Garud standard on the obverse, and the reverse there is a seated goddess who is Ordoksho, Zoroastrian goddess of prosperity. She is very similar to Lakshmi, Shri, in her attributes, but she holds a pot of cornucopia in her hand. So what I'm trying to say is that even though Gupta rulers are powerful rulers, it doesn't happen this way that when they come to power they discard the earlier coins completely and strike an entirely new type of coins, because that would be foolhardy. People would not easily accept those coins. If you see the history of or coinage currency system of Western India in this period, a little later in the time of Chandragupta, Vikramaditya and Kumargupta, etc., the coins that they issue in Western India, Gujarat, Maharashtra, Western Deccan, are not the gold coins. For the precious metal coins, they issue smaller silver coins which are very similar to the previous Chatrap silver coins. So there are hundreds of examples of typological continuation. But what I'm trying to say is that even if you are
unable to read the inscription, etc., you can typologically link them. And then go further into detail and find that, okay, these are Shak. Bhri Shak is written in Brahmi, and this is towards the end of the Kushan history. And if you know the weight of the coins, you find that the Guptas continued the metrology, the typology of the Kushan types. So these are kind of important information. Next, please. अब ये भी कुछ उसी तरह की बातें कर रहा है, लेकिन चूंकि मेरे पास समय कम है तो मैं आपको इस क्यों इम्पॉर्टेंट है कॉइन्स की स्टडी, ये शायद आप लोग ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो उस पर मैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करूँगा. नेक्स्ट या जो डॉक्यूमेंटेशन मान लीजिए कल के दिन में आपको करना पड़ता है और कॉइन्स का, तो मेरा कंसर्न उससे है, तो उसमें पहला चीज जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि मेरे हिसाब से फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ थोड़ा सा टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन. टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन मैं कहता हूँ, कैन हैव द नेक्स्ट वन, जिसमें आप उसके वेट को रिकॉर्ड करेंगे. और कॉइन्स चूंकि किसी कलेक्शन में आप जब फोटो करने जाते हैं तो दे आर अवेलेबल इन लार्ज नंबर्स. हमने NMMA के लिए अब कश्मीर में ठंडी में हमारी टीम ने 80,000 कॉइन्स किया, जिसमें उनको 8-10 महीने लगे, क्योंकि उसमें ये नहीं होता है कि हम सारे लोग वहाँ पे जाके बैठ जाएं और वो डॉक्यूमेंट करें. इट्स टाइम टेकिंग, तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है. तो फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन करके जब हमारे पास आ जाता था, तब हम फिर उसको पढ़ के बाकी चीज उसकी डिसाइफर करते थे, उसकी डिटेल्स देखते थे. तो आप वेट वहां पे लें, प्रोवेनेंस का इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वेरी ऑफ्टन दे आर नॉट अवेलेबल अनलेस एंड अंटिल they were found in excavation. और आज के दिन में दिक्कत क्या हो रही है कि जो ये coins होते हैं ये सब सारे state subject में आते हैं, तो treasure troves जो मिलते हैं, जो hoard कहीं पे मिलता है, they go to the respective state government department, जो भी उसको डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी बोले, डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजियम बोले, या कहीं कहीं कंबाइन होता है. तो उसमें एक वो प्रोवेनेंस का इंफॉर्मेशन होता है, लेकिन वो डिफरेंट स्टेट्स में और आज के दिन में बहुत ज़्यादा कम होते हैं अक्वायर, वो ज़्यादा कलेक्टर्स लोग कलेक्ट करते हैं, तो वो जिनको मिलता है वो उनको ही बेच देते हैं. बहुत कलेक्टर्स या डीलर्स के कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिस एरिया में ज़्यादा मिलते हैं, तो वो लोग वहाँ से. तो इंसिडेंटली मैं आपको बताऊं कि आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में अब आ गया, करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में गोदावरी के साइड में एक इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है कोटलिंगाला, बहुत बड़ा साइट है, और सातवाहन प्री सातवाहन एंटिक्विटीज काफी मिलते हैं. तो और पूरा गांव उसी माउंट पे बसा हुआ है, तो बारिश के दिनों में वो मिट्टी कटती थी और वो कॉपर और लेड क्वाइंस
जो आपके शिमुख सातवाहन सातकर्णी सबके मिलते थे बच्चों को, वो अपना रखते थे। अब वो गांव में वो एक डमरू बजा के, क्या बोलते हैं, बुढ़ी के बाल, कैंडी फ्लॉस, हवा मिठाई हम लोग बोलते थे, अलग अलग एरिया में वो अलग अलग नाम से दैट स्वीट इज गॉन, तो वो बेचने आता था। और वो बच्चे वो सातवाहन क्वाइंस या प्री सातवाहन क्वाइंस से पेमेंट करके वो मिठाई खाते थे। तो उस एरिया में दे वर स्टिल सर्कुलेटिंग परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ मनी। अब वो जो मिठाई वाला था उसके कॉन्टैक्ट से हैदराबाद में कोई होटेलियर था जो क्वाइन खरीदता था, तो उसने उसको बोल रखा था ठीक है हैदराबाद आओगे तो हमारे होटल में ठहरना। और तो ये जो 5 रुपये 2 रुपये की चीज़ वहाँ जाके वो 100 रुपये में 500 रुपये में बेचता था। तो लेकिन वो क्वाइंस अभी भी क्वाइन का जो फंक्शन है वो पूरा कर रहा था। तो एनीवे, तो जब हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं तो कल जैसे आपको फोटोग्राफी वो शाम में बता रहे थे, तो क्वाइंस चूँकि छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं और इसके लिए बहुत हाई फाई एडवांस्ड आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, केवल ये ज़रूरत होती है कि आप क्वाइंस आर यूजुअली बाईफेस्ड, जो हेड एंड टेल्स हम बोलते हैं ना, ऑबवर्ड्स एंड रिवर्स, तो दोनों साइड की फ़ोटो की जाए। तो एक साथ तो हम करते नहीं हैं, तो पहले जैसे मान लीजिए हमने एक फोटोग्राफिक प्लेट पे 5 क्वाइंस या 6 क्वाइंस लगा लिए, उसके वेट एक टेक्निकल शीट आप रखेंगे, कैन यू गो अहेड, जैसे इस तरह का टेक्निकल शीट हम लोग यूज़ करते थे, तो उसमें जो पहला जब शुरू किया तो जो कलेक्शन का वहाँ पे हेडिंग पे वो कलेक्शन का नंबर दे देते हैं, और एक हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट नंबर यूज़ करते थे कि कुछ भी 1/1, फिर उसका बैक जब लिएंगे तो 1/1 जिससे मैच हो कि पेयर किसका है, फिर 1/2 ऐसे करके 3/2, 2/2, 3/3 और फिर 1/4 ऐसे वो आगे जाता था। वो प्लेट नंबर वो आप लोग डिवाइस कर सकते हैं कि कैसे। तो इसमें बेसिकली हम वहाँ पे साइज नहीं लेते हैं क्योंकि साइज टेकिंग इज अ लिटिल टाइम कंज्यूमिंग, और म्यूजियम्स में या इंस्टीट्यूशंस में प्रॉब्लम क्या होता है कि दीज आर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एंड दे आर केप्ट इन द स्ट्रॉन्ग रूम। हमारे इंडिया में स्ट्रॉन्ग रूम का कल्चर होता है, तो वो जनरली जो जिनके चार्ज में होता है वो खोलना नहीं चाहते, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो बहाना बहुत बनाएंगे, लेकिन ठीक है मान गए तो वो किसी तरह तो वो करने देते हैं। तो हम लोग एक सिंपल स्केल छोटा सा 2 सेंटीमीटर का यूज़ कर लेते हैं, बाद में एक फोटोग्राफिक प्लेट ऐसे ही प्लेन पेपर पे आप प्रिंट कर लीजिए, वहाँ स्केल मेजरमेंट कर लीजिए कि 2 सेंटीमीटर यदि 3 सेंटीमीटर हो गया है और क्वाइन की 2 अक्रॉस जो आप साइज मेज़र करेंगे उसको यदि 1.5 टाइम्स हुआ है तो उससे डिवाइड कर दीजिए, तो यू गेट दी एक्चुअल साइज, और उसमें बहुत ज़्यादा प्रिसीजन की ज़रूरत नहीं है, एक अप्रॉक्सीमेट हमको चाहिए। वैसे ही इफ़ यू टेक द वेट अप टू 2 decimal points इट शुड बी सफिशियंट नॉर्मली। मेटल नोट करने में आपको समस्या आ सकती है, जो मेन एलिमेंट्स हैं हमारे, आपको सिल्वर के क्वाइंस मिलेंगे, कॉपर के क्वाइंस मिलेंगे, कहीं पे लकी हुए तो गोल्ड के क्वाइंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ डेकन में जैसे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में लेड वाज यूज्ड एक्सटेंसिवली,
तो कुछ सातवाहनों ने लेड क्वाइंस इशू किए, कई सातवाहन फैमिलीज कुछ जहाँ पे हैं वहाँ पे उन लोगों ने लेड क्वाइंस इशू किए हैं। प्रॉब्लम होता है कि जिसको हम सिल्वर कह रहे हैं वो कभी कभी एकदम काला सा दिखेगा, तो वहाँ पे थोड़ी समस्या, जो जिनको एक्सपीरियंस नहीं है या सिल्वर है वो बहुत डिबेस्ड हो गया है तो वो कॉपरी दिखता है, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। तो जैसा अपीयरेंस आपको लगे वो आप नोट कर सकते हैं। वो बाद में जब हम, मान लीजिए आप उसको पढ़ रहे हैं और आप देखते हैं कि ये टाइप तो सिल्वर में ही नोन है और ये हमने कॉपर, तो हो सकता है कि वहाँ पे आप उसको करेक्शन किया जा सकता है। एक होता है कि मिडिवल टाइम्स में, खास करके सल्तनत पीरियड में, एक क्वाइन यूज किया गया विच वॉज फॉर मास कंजम्पशन, वो था, उसको हम कहते हैं बिलन क्वाइंस। बिलन क्वाइंस, बिलन इज एक्चुअली एन एडमिक्सचर ऑफ सिल्वर एंड कॉपर, उसमें सिल्वर परसेंटेज कम होता है। तो ये तुर्क जो सुल्तान हुए, दिल्ली के सुल्तान, उन लोगों ने शुरू किया और फिर शेरशाह सबसे पहले सूरी के टाइम में उसको बंद किया गया और उसकी जगह बड़े कॉपर क्वाइंस निकाले। तो मेटल या फिर कॉपर्स जो हैं, दे माइट बी वेरियसली अलॉयड, मतलब दे मे बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रॉन्जेस। कॉपर यूजुअली रेडिश होंगे लेकिन बहुत तरह के ब्रॉन्जेस होते हैं। ब्रॉन्ज यूजुअली जो है वो कॉपर एंड टिन का जो अलॉय है उसको हम कांसा कहते हैं, लेकिन हमारे पास पीतल भी एक तरह का ब्रॉन्ज हुआ, वो कॉपर एंड जिंक हो गया। लेकिन उसमें कभी हो सकता है लेड भी थोड़ा मिला हो तो उसकी कलरिंग बिल्कुल अलग तरह की होगी, तो उसको आप ब्रॉन्ज कह सकते हैं या कॉपर भी कहेंगे तो चलेगा। वो हम हिंदुस्तानी लोग थोड़ा ज़्यादा संबंधों को या इसको बहुत साफ साफ, इसलिए हमारे किनशिप टर्मिनोलॉजी भी आप देखेंगे तो अंग्रेजों के तो अंकल आंट होते हैं, हमारे तो मौसा फूफा चाचा मामा सब होते हैं। तो मेटल में भी हम लोग अलग अलग तरह के, हम आर्सेनिकल ब्रॉन्ज, उसी को कोई प्रोटीन बोलता है क्योंकि वो उसमें थोड़ा सिल्वरिश टिंज होता है, तो बड़े बड़े स्कॉलर्स भी धोखा खा जाते हैं। एक डेक्कन कॉलेज में एक हम लोगों की गुरुतुल्य थी, उन्होंने एक आर्टिकल छाप दिया उसमें सिल्वर लिख दिया, वो पब्लिश्ड डोमेन में आ गया लेकिन वो एक्चुअली उसमें आर्सेनिक मिला होता है, तो वो थोड़ा सा उसका एक सिल्वरिश टिंज जैसा आ गया, तो वो दैट गेव हर द इल्यूजन कि ये सिल्वर है। लेकिन जब पब्लिश्ड हो जाता है तो लोग धोखा खाते हैं। तो एनीवे, तो ये इन्फॉर्मेशन यदि आप नोट डाउन कर सकते हैं, और जो फोटो करते हैं वो एक स्टैंड लगा के मैक्रो लेंस के साथ आप फोटो कीजिए, उसकी दूसरी साइड पलट के फोटो कीजिए, एक ही हाइट से करेंगे तो फिर जब आप उसके पेयर करेंगे तो यू विल नॉट हैव एनी डिफिकल्टी। अदरवाइज आप यदि हाइट या फिर से रिवर्स के टाइम में आपने एडजस्ट कर दिया तो वो एक बड़ा हो जाएगा इमेज एक साइड का, एक साइड का छोटा हो जाएगा, तो दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। कैन आई हैव द नेक्स्ट? अब डिजायर्ड फील्ड्स जो है, अब इसमें हमारा मधुलिका के साथ थोड़ा झगड़ा है लेकिन उनकी समस्या भी बहुत जेन्युइन है इसलिए मैं कुछ कह नहीं पाता हूँ। ये चाहती हैं कि मैं इसको <coughs>
जो NMMA के फील्ड्स हैं और जो बेसिकली मेरे हिसाब से डिज़ाइन किए गए थे आर्ट ऑब्जेक्ट्स और एंटीक्विटीज़ को डॉक्यूमेंट के करने के हिसाब से, उसमें फिट करना, तो उसमें अब आपको कैसे डिटेल्स में फिट करना हो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, आइडियली स्पीकिंग एक्चुअली डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एंटिक्विटीज़ के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा फॉर्म्स होना चाहिए था कि एंट्री उस हिसाब से हो, बाकी प्रेजेंटेशन जो रिट्रीवल डेटा है वो तो अपने अलग फॉर्मेट में हो सकता है, उसके अलग अलग फॉर्मेट बनाए जा सकते थे, क्योंकि अब कॉइन्स में क्या है कि आपको कहीं कहीं पर तो एक अप्रॉक्सीमेट पीरियड देना होगा, लेकिन कहीं कहीं पे खास करके मिडिवल पीरियड में जब आते हैं तो जो इशूअर है, जो कॉइन इशू कर रहा है, उसका रेन पीरियड आपके पास है, उसके अलावा उस कॉइन के इशू करने का एग्जैक्ट डेट मेंशन हो सकता है, उस रूलर का रेगुलर ईयर मेंशन हो सकता है, उसका मंथ मेंशन हो सकता है, तो उसको सब आप पीरियड में नहीं दे सकते हैं, वो एक एग्जैक्ट डेट होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। एक मैं जो आपको टेक्निकल डिटेल्स के साथ कहना भूल गया, वो नॉर्मली हम लोग बहुत इंडियन न्यूमिस्मैटिक्स में डॉक्यूमेंट ये किया नहीं गया है, वो है डाई एक्सेस। जब आप कॉइन डॉक्यूमेंट कर रहे हैं उस समय यदि आप खास करके ये इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर सकें तो अच्छा होगा। डाई एक्सिस का मतलब हुआ कि द अलाइनमेंट ऑफ द रिवर्स साइड इन रिलेशन टू द ऑबवर्स साइड। अब मान लीजिए मेरे पास एक कॉइन है, जैसे ये कॉइन है, ये हमारा नेशनल एम्बलम है, ये साइड को हम फ्रंट साइड बोलते हैं, ये टॉप हो गया, नाउ दिस इज अ राउंड कॉइन, सो आई ट्रीट इट लाइक अ क्लॉक, नाउ आई होल्ड दिस एंड रोटेट इट होल्डिंग एट दिस पॉइंट, तो इस साइड का यदि डायरेक्शन वो भी यहीं पे पॉइंट कर रहा है तो दैट मींस द एक्सिस इज 12 o'clock, या एक एरो हम ऐसा पॉइंटिंग टुवर्ड्स टॉप वो बता सकते हैं। इफ द टॉप ऑफ दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस देन दैट इज 6 o'clock। तो यूजुअली इंडियन कॉइनेज में बहुत डेफिनेट डाई एक्सिस फॉलो नहीं हुआ, कुशानों के कॉइन्स में है, तो ये यदि हम नोट करते हैं तो कभी कभी जो फेक कॉइन्स हैं विच मे बी कंटेम्प्री फेक्स ऑल्सो, तो उसको पकड़ा जा सकता है, या किसी ने मॉडर्न फेक्स बनाया और किसी सीरीज में डेफिनेट डाई एक्सिस यूज किया गया था तो वो पता चल सकता है। तो इफ यू कैन एट द टाइम ऑफ फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्डिंग ऑफ वेट रिकॉर्ड द डाई एक्सिस एज वेल, दैट वुड बी एक्सलेंट। नेक्स्ट आगे ओके एक पहले जाइए आने वो भी ये काउंट इसमें एक्चुअली काउंटर स्ट्रक कॉइन्स नहीं है, वो जो पॉपुलर एग्जांपल है वो नहीं लिया हुआ है। एनीवे
जो मधुलिका मैडम कह रही हैं काउंटर स्ट्राइकिंग, एक तो नॉर्मल कॉइन्स हम देखते हैं, क्योंकि क्या है कि एंशिएंट पीरियड में वी डू नॉट हैव द एग्जैक्ट क्रोनोलॉजी, एक्चुअली कॉइन्स आर नॉट डेटेड एक्सेप्ट फॉर वन सीरीज विच कैन आई हैव दिस सीरीज विच वॉज इशूड इन इंडिया इन वेस्टर्न इंडिया फ्रॉम अबाउट 178 AD. ये सीरीज एक ऐसा सीरीज था विच हैड डेट्स रिटन इन ब्राह्मी न्यूमरल्स बिहाइंड द बस्ट. और ये छोटा सा कॉइन है, अबाउट 18 mm डायमीटर, 14 mm, 15 mm डायमीटर, और इट हैड अ लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इन ब्राह्मी consisting of about 28-30 letters. Like here it says Ragyo Mahachatrapas Rudradamna Putras Ragyo Mahachatrapas Rudrasihasa, which means that this coin is of King Mahachatrap Rudrasimha, who is the son of King Mahachatrap Rudradaman. If you arrange the coins of all the rulers, you get the entire political genealogy. In addition, you get the dates, although the era is not mentioned, but it is usually believed that this is in Shak era. So if this is 137, you add 78 to it, you get the exact date in Christian era. But this is the, I mean, ye to ek simple cheez ho gayi. Can I have the next? जो काउंटर स्ट्राइकिंग की बात कह रहे हैं कि कभी कभी क्या है कि एक कॉइन्स होता है उस पर किसी दूसरे राजा ने अपने सिंबल्स के साथ काउंटर स्ट्राइक उसको किया. अब इसका अलग अलग पर्पस हो सकता है, हो सकता है उनको उसको हरा दिया उसके बाद उसने उस, या कभी किसी उसी फैमिली के किसी रूलर ने उसको रीस्ट्राइक कर दिया कि कॉइन्स घिस गए थे, तो उसको रीवैलिडेट करने के लिए कि भाई अभी ये चल सकता है. यूजुअली क्या होता था कि पुराने घिसे पिटे कॉइन्स विच यूज टू कम बैक टू द रॉयल ट्रेजरी थ्रू टैक्सेस एटसेट्रा, और एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि मान लीजिए अभी मैं बस में जा रहा हूँ और मुझे टिकट खरीदना है 10 रुपये का, तो मैं देखूंगा कि सबसे पुराना सा जो घिसा फटा चिटा नोट है वही निकाल के दूंगा. अब वो कंडक्टर बोलेगा कि नहीं 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 चलेगा, तब फिर दूसरा. अब ये अलग बात है कि शाम तक जितने कड़कड़िया नोट हैं वो सब खत्म हो जाएंगे. लेकिन तो टैक्सेस में भी जो वर्न आउट कॉइन्स होते थे वो पहले दिए जाते थे, और व्हेन दे यूज्ड टू कम बैक टू द रॉयल ट्रेजरी दे वर मेल्टेड डाउन एंड टर्न इनटू फ्रेश ब्लैंक्स मेड इनटू फ्रेश कॉइन्स. ऐसे तो ये जो काउंटर स्ट्राइकिंग होती है इससे यदि कहीं ट्रेसेस मिलता है. अब जैसे ये अनइंस्क्राइब्ड सीरीज है जो सेंट्रल इंडिया की, और एक नाम वाला हमको सातवाहन कॉइन्स मिल रहा है, लेकिन ये यदि इस पे इंस्क्राइब मिलता है तो कम से कम इट पॉइंट्स टू द फैक्ट दैट दे शुड बी क्वाइट क्लोज इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, तभी ये पॉसिबल हो सकता था. तो इफ दीज कैन बी डेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंस्क्रिप्शन टू अ सर्टन पीरियड, देन these can also be dated to some extent. तो इस तरह की चीजें हमको काउंटर स्ट्राइकिंग से पता चलती है, तो वो एक अलग चीज हो गई. या दिस इज यूजली द फॉर्मैट इन एक्सेल शीट्स इन विच वी डॉक्यूमेंटेड, क्योंकि मेरा मानना है कि क्योंकि मैं चूंकि कॉइन्स पे काम करता हूँ तो हमारे जो डायनेमिक क्वेरीज होंगे वो
अलग अलग फील्ड्स में, मान लीजिए अब आप जहाँ पे डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है तो उसमें इफ यू कैन सिलेक्ट द सिलेक्ट कीवर्ड्स जो आपको लगता है कि जिसके बेसिस पे वो क्वेरीज रेज किए जा सकते हैं, तो अलग अलग जो हमारे फील्ड्स हैं उसके बेसिस पे वो क्वेरी, क्योंकि किसी को जब कोई रिसर्च कर रहा है तो अलग अलग फॉर्मेट में उनकी क्वेरीज जेनरेट होगी, तो वो आंसर मिलना चाहिए। एनीवे वो तो बाद के पीरियड में आएगा, अभी चूंकि मुझे फ्लाइट पकड़नी है और मेरी फ्लाइट छूट ना जाए तो आई स्टॉप हियर। मे बी समटाइम इन द फ्यूचर आई हैव एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद यू। थैंक यू वेरी मच।